रख दो मेरा जनाजा, मुझ में जान आ गई है, जाओ दू बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई है। न तुम छत पर आती न मेरा तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती न मैं आंख से काना होता। तो अब के चुनौवा में रुपया इतना अधिक हो गया हजार, अब के चुनौवा में बिक गए एक भगवा में, लड़का भर भर ले आवे रुपया कुल झौवा में, पी के हुए सभी हो बोतल पबु। क्योंकि लैला ने लव को प्यार की फाइल बना दिया, मजनू ने इसे अपनी स्टाइल बना दिया, जब प्रेमियों का दर्द उनसे देखा नहीं गया तो अंबानी बंधुओं ने मोबाइल बना दिया। छत पर खड़ी होकर अपनी जुल्फे लहराती हो, कसम भगवान की आसाराम की बिटिया नजर आती हो। मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का। मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ लेते हैं छक्का वक्का। हम इस वक्त गुजारिश कर रहे हैं, आइए इलाहाबाद की जमीन पर चलते हैं, जहाँ गीत और गजल का एक ऐसा शायर जो तंज भी करना जानता है और बड़े सलीके से तंज करता है, एक ऐसा शायर जिसने पूरे हिंदुस्तान में ऐसी शायरी की है, मजाहिया शायरी की है, उससे इल्तिमास कर रहा हूँ, निवेदन गुजारिश कर रहा हूँ, लाल बिहारी अंबर जो इलाहाबाद से हमारे मेहमान कवि हैं, उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मेयारी कलाम से मुशायरी और कवि सम्मेलन की कामयाबी में इजाफा फरमाएं। देखिए दूर से लोग तो खतरे में पड़ जाते हैं कि कोई शायर है कि शायरा है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए लाल बिहारी भाई, आज हमारा नाम आप सही लीजिएगा वरना वल्दियत खतरे में पड़ जाएगी, ये समझ। जी जी, आपका नाम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि हम इस हमारे में तो पुनर्जन्म भी है, हम अगले जन्म में आपके हो लेंगे। बहुत ही दुआएं करते हैं और सुप्रिया ने इस कदर यहाँ पढ़ दिया है कि हमें जो है संजय दत्त की तरह यहाँ आना पड़ा है, क्योंकि उनको प्रिया दत्त के बाद सुप्रिया आ गई और सुप्रिया के बाद ये संजय दत्त भाई आपके सामने आ गए। क्योंकि लैला ने लव को प्यार की फाइल बना दिया, मजनू ने इसे अपनी स्टाइल बना दिया, जब प्रेमियों का दर्द उनसे देखा नहीं गया तो अंबानी बंधुओं ने मोबाइल बना दिया। अब अपने वतन की मिट्टी से इतना था प्यार उनको कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मिसाइल बना दिया। तो धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, ये लो मेरा सलाम भाई, आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध में तो आई, देश की राजनीति में भी बहुत काम आई। आप कभी नहीं बन पाए एक पति, मगर इसी के बदौलत आप बन गए राष्ट्रपति। काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते तो हर समस्याओं के समाधान होते। अगर हम गलती से कट्टा भी बना देते तो निश्चित ही जयगहा गांव के प्रधान होते। बहुत अच्छे भाई लाल बिहारी अंबर, जिंदाबाद। और बहुत ही दुआएं, आपने बहुत ही दुआओं से नवाजा, बहुत धीरे धीरे आप तक पहुंचूंगा, बहुत कम समय लूंगा, क्योंकि हमारे बड़े शायर जौहर साहब, अल्ताफ साहब बैठे हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। हमारे बीच में देश की नहीं पूरे विश्व भर की वरिष्ठ कवियत्री डॉक्टर सुमन दुबे जी बैठे हैं, मैं उनको भी बहुत बैठी क्या है, इस समय जाड़ा इतना है कि वो बिल्कुल बीचों बीच ऐठी है, मैं उनको बहुत ही नमन करता हूँ, आपको ढेर सारे सलाम करता हूँ। अब यहाँ से अपने काम करता हूँ। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है उसको राम कहते हैं, जो कई औरतों से प्रेम कर जाता है उसको आसाराम कहते हैं। अब आप लोग बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं, बड़ी दुआएं सुन रहे हैं कि दुबला हूँ पतला हूँ, दुबला हूँ पतला हूँ हनुमान बन जाऊंगा, आपने जिताया तो प्रधान बन जाऊंगा, एक बार दिल से लगा के तो देख गोरी कपड़ा उतारूं तो सलमान बन जाऊंगा। वाह 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 वाह। यही नहीं कहा कि लैला की जैसी सयानी नहीं हूँ, अमीरा की जैसी दीवानी नहीं हूँ, बनू मंत्री मेरी किस्मत कहाँ, ये मैं मोदी की स्मृति ईरानी नहीं हूँ। न 500 चाहिए न 1000 चाहिए, पर मोहब्बतों से भरा ये बाजार चाहिए, आसाराम बापू ने जेल से कहा है हमको राधे माई तेरा प्यार चाहिए। बहुत अच्छे, वाह। हम आम आदमी कहाँ से पाए इतना फुटकर, मोदी जी आप ही से उधार चाहिए, जब बैंक की लंबी लाइन में अंदर हम गए तो बैंक वाला बोला अब आधार चाहिए।
तो बंद जब से 500,000 हो गया तब से डाउन ये हमारा बाजार हो गया। बहुत बंद जब से 500,000 हो गया तब से डाउन ये हमारा बाजार हो गया। कोई लाइन में है कोई साइन में है, मुंह बना करके कोई डिजाइन में है, कोई गलियों में है कोई पूंछों में है, गांव कस्बों आ कोई सिविल लाइन में है। मोदी दादा बताओ अब क्या है इरादा, आपके चक्कर में सब उधार हो गया। बंद जब से 500,000 हो गया पहले लैला मर गई, इतने लोग मर गए, पहले लैला मरेगी फिर मजनू मरेगा। तो अमित शाह ने कहा बाद में दोनों को जिंदा किया जाएगा, आप 501,000 वापस करें इसके बदले में 2,000 दिया जाएगा। क्या कहें बोली जनता के हमको ए मोदी बता, इतने पैसे में क्या क्या किया जाएगा। पहले लैला मरेगी, ये ऐसे ही कह दिया आपकी मोहब्बत में, और ऐसे ही हम बहुत बार कहते फिरते रहेंगे। हमारे दोस्त आओ मेरे जाने जिगर आली जनाब नदीम जावेद साहब बैठे हैं, मैं इनको ढेर सारी दुआओं सुनवाता हूँ। शेख सलाहुद्दीन साहब अपना मुल्क सबसे प्यारा है, ये उन्होंने साबित इसलिए किया कि जयगा वालों आपके मुशायरे के लिए उन्होंने अपने अरेबियन कंट्री को कुछ दिनों के लिए रुखसत करके यहाँ आए हैं आपके बीच में। 25 तारीख को उनको जाना है, 25 तक वो हमारे बीच में है, और इंशाल्लाह मैं उनको बहुत दुआएं देता हूँ। इधर से जितने लोग सऊदी अरब जाएंगे यहाँ से, मैं सबको ढेर सारी दुआएं देता हूँ। इंशाल्लाह अपने वतन की मिट्टी महकती रहे वो जहाँ भी जहाँ जाए। और मैं राहिल भाई राहिल अब्दुल्ला हमारे बीच में है, जावेद सिद्दीकी साहब, हाँ उनको ढेर सारी दुआएं देता हूँ। अब एक नाम और देखता हूँ कौमी एकजहती के नाम से, भाई बीरेंद्र द्विवेदी जी एमपी से चल के आए हैं, मैं उनको जो है बहुत ही दुआएं देता हूँ। रोहित खान हमारे बीच में है, जावेद सिद्दीकी भाई बैठे ही है, सभी लोग मिलजुल के जो मुशायरा कर रहे हैं इससे ये लगता है आपकी मोहब्बतें बहुत ही मोहब्बतें आ हैं। और हमारे बीच में आप देख रहे हैं अनवार साहब ऐसे संचालन कर रहे हैं कि बैठकर महबूबा की बाहों में इतना जोश आया कि जब बेगम ने देख लिया फिर आईसीयू में ही होश आया। देखिए वो एक सेकंड, मैंने आपसे शुरू में ये बात कही थी कि नाम सही लीजिए, मेरा असलम अनवार नाम है, अनवार मेरे वालिद का नाम है, अच्छा इसलिए वल्दियत बिगड़ जाती है। अच्छा अच्छा जी जी, ये बात हमने प्रतापगढ़ में भी कही थी आपसे। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मैं आपको इस नाम से भी याद करूं, उस नाम से भी याद करूं, और आपको मैं इस तरह से याद कर लेता हूं, वरना मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं आपका नाम भी ले सकूं। मैं बहुत ही आपको दुआएं देता हूं। और निजामत ये आज ये तीसरी निजामत चल रही है, और मैं इनको बहुत दुआएं देता हूं। आपका मुशायरा बहुत जम गया, बहुत कामयाब हो गया है, और मैं चाहता हूं कि आपके बीच में थोड़ी देर मौज मस्ती और करें कि जो गहरा जख्म होता है वो पुरवाई में खुलता है, सिले कपड़ों का हर धागा ये तुरपाई में खुलता है। मोहब्बत करने वालों को पुलिस कैसे पकड़ लेगी, यहाँ तो दिल का दरवाजा भी तन्हाई में खुलता है। एक साहब ने कहा मोदी जी के परिवार नहीं है बच्चा नहीं है वो क्या समझे नोटबंदी का दर्द जी। हमने कहा कौन कहता है कि मोदी के परिवार नहीं है, उनको किसी औरत से कभी प्यार नहीं है, वो इसीलिए अमेरिका लंदन को जाते हैं, मोदी से बढ़ के कोई भी होशियार नहीं है, मोदी से बढ़ के कोई भी होशियार नहीं है। और आपके बीच में भाई नदीम जावेद की यहाँ जो बीच में बैठकर मुशायरे को पूरा खुशबू दे रहे हैं, मैं कन्वीनर अपने कन्वीनर भाई मेरे दोस्त जाने जिगर राशिद भाई साहब महताब भाई को और ओम प्रकाश यादव जी, मैं इन सबको बहुत ही दुआएं देता हूँ। उन्होंने हमको बहुत यहाँ शिद्दत से याद किया है। कुछ पंक्तियाँ की माई कबों ने चूल्हा फूके भाऊ जाई सुकुवार निकलिए, और भयाहु कौन भरोसा पढ़ी लिखी होशियार निकलिए, जंगर चोर मेहरार निकलिए, लड़ाई बदे बरियार निकलिए, के करे मूड़े शान बघारी कुल चीजिए बेकार निकलिए। वाह वाह, माई कबों ने चूल्हा फूके
माई कबन चूल्हा फूके कुल चीजें बेकार निकल गए कुल चीजें बेकार भैंस दुहत की टांग उठावे बर्धा हेंगा देख पराए कुकुर जाए पिछवाड़े सोए आगे चोर लूट ले जाए हाड़ी में जब दूधई नाही कुल बिलाल रोवे चिल्लाए छोटका लड़का खेत बेच के नयका लेके कार निकल गए बड़का लड़का साधु बन के ऋषि के हरिद्वार निकल गए ककरे मुड़े शान भघारी कुल चीजें बेकार निकल गए। अब पहले घरे घरे घ्यू माथा महकत रही महेरी अब तो गांव भरे कई दुधवा पियत जात बा डेरी और जब से गांव में बिजली होई गए घर घर होई गए टीवी और कोने अतरे लड़का रोवे मऊ जुड़ावे बीबी ओखर मूसर चकरी जाता केहू घरे ना चच्चा अस्पताल के गए बिना अब होते नाही बच्चा। अब इंटरनेट के यह युग में कितना आगे परिवार निकल गए अब हमसे बढ़िया रामदेव है पहन ओढ़ सलवार निकल गए ककरे मुंह में शान भिखारी कुल चिड़िए बेकार निकल गए क्या कहने हैं। अब कहते हैं ना अमेरिका की हिम्मत है ना तो है उस चीन का। मैं कस आदमी को पढ़ना था मगर माहौल आपने मुझे दे दिया है इसके लिए ढेर सारी शुक्रिया कि ना अमेरिका की हिम्मत है ना तो है उस चीन का कोई परचम झुका नहीं सकता है मेरे दीन का कोई परचम झुका नहीं सकता है मेरे दीन का इस मिट्टी से इनको कोई अलग नहीं कर सकता है ये मुल्क नदीम जबेद का है और ये शेख सलाहुद्दीन। वाह 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 वाह। और मेरे दोस्तों बहुत अच्छे, इस मिट्टी से आपको कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। हम लोग एकता की कड़ियों में इस तरह से रहेंगे कि मांगले कोई तो दौलत जहान दे देंगे फिर न पीछे को हटेंगे जो जबान दे देंगे कैसे हिंदू से लड़ाएगा मुसलमान कोई हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। मेरे मित्रों मुशायरे रवायत और अदब सिखाते हैं हम भी यही सीखने आते हैं हम हंसने हंसाने का काम जरूर करते हैं लेकिन आपसे कुछ सीख कर जाते हैं। कुछ लोगों के नाम बाकी रह गए हैं बुरा ना मानिए अगर लेके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे मुशायरे में बहुत कम समय लेंगे क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट इत्तफाक मोहब्बतन बहुत लोग आ गए हैं इसलिए हम अपनी बात को कम में करेंगे तो अच्छा लगेगा और इस तरह से आप हमें सुनेंगे और हमें थोड़ी देर के लिए महसूस करेंगे। मैं आपके बीच में बहुत कम समय लूंगा ताकि आप तक अच्छे जो शायर बचे हैं आदमी साहब बचे हैं और जितने शायर मेरे दोस्त बचे हैं उनको मैं भी सुनूंगा। हमारे बीच में अफसर कुरैशी नगर अध्यक्ष कांग्रेस इकबाल भाई अलबी साहब अब्दुल्ला भाई मेरे दोस्त मिराज भाई बनारस वाले इफ्तिखार अहमद बबलू भाई ये दो नाम बहुत ही खूबसूरत बनारस से चलकर आए हैं। ये ऐसा रस है जो पहले से बना है सिर्फ पीना रहता है। ये हमारे दोनों भाई को ढेर सारी दुआएं देते हैं हमारे बीच में आए और खास तौर पे गुड्डू भादो हमारे दोस्त हैं उनको ढेर सारी दुआओं से नवाजता हूँ और बहुत ही दुआएं गुड्डू भादो तो भाई उनको बहुत ही मोहब्बत करने का बड़ा तजुर्बा है। वो एक बार गोवा गए तो अपनी प्रेमिका से कहते हैं मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ इस कदर तुमसे प्यार कर रहा हूँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं तुम्हारी जबान क्यों बंद है। उसने कहा देखते नहीं गुड्डू भाई मुंह में कमला पसंद है। बहुत अच्छे। अभी मैं लखनऊ गया तो लखनऊ में जब गया तो वहां मेरी जेब कट गई और सामने लिखा था मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। हमने कहा बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। एक अध्यापक ने एक अपने एक शिष्य से पूछा बेटा ये बताओ लड़की में कौन मात्रा लगे तो लड़कवा खड़ा हो गया बोला गुरु जी पहले लड़कियां तो ले आओ मैं लड़की देख के बताएंगे कौन मात्रा लगेगा अगर छोटी हो तो छोटी एक मात्रा बड़ी हो तो बड़ी एक मात्रा अब ऐसे बीच में क्या लगा दे। हमको देख करके एक आदमी ने कहा क्या शरबती आंखें क्या जुल्फ तुमने पाया है ऐसे लगता है पीपल से कोई भूत उतर आया है। हमने कहा जब तुम छत पर खड़ी होकर अपनी जुल्फे लहराती हो कसम भगवान की आसाराम की बिटिया नजर आती हो। वाह 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 वाह। अभी तो हमारे बाल तो अनवार साहब सही नाम ले रहा हूँ वो हमारे बाल जो है नदीम साहब ने कहा अंबर भाई आपके सब बाल काले हैं कोई सफेद तो नहीं है। हमने कहा मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का मेरी औकात किसी कवि शायर से कम तो नहीं लोग गलती से समझ लेते हैं छक्का वक्का।
अब तो बड़ी दुआएं हैं, कभी कभी गलती हो जाती है। ट्रेन में बैठ के जब सफर करते हैं, हम और अचानक मौलवी जा रहे थे बंबई, उसमें ट्रेन में 10-12 हिजड़े चढ़ गए, सबसे मांग रहे हैं जबरन। अब मेरे पास आए, बोले निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, अपने आप को संभालो संभालो संभालो। बगल में अचानक मौलवी बैठे थे, बोले हमाला क्या होगा बेटा। हम कहे बता दो, पुराने हैं, बाद में देखा जाएगा, आपका तो जन्म खराब हो गया। तो उन्होंने हमको बड़ी मोहब्बतें दी हैं और बड़ी दुआएं दी हैं और बड़ा आपका प्यार मिला है, इसलिए कहते हैं। एक गाना आया था, आंखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, ये लो बिजली का बिल आ गया। बहुत। एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है। मैंने कहा मैं जानता हूँ क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है। हमने कहा जब तक चलते चलते रुक जाते हो, चलते चलते गिर जाते हो, ये प्यार नहीं है, ये कमजोरी का लक्षण है। पहले च्यवनप्राश खाओ तब हमें घर आओ। एक गाना आया था, जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लुक जाए साइकिल घड़ी। एक गाना आया था, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुई जब तुम्हें शादीशुदा जाना। एक गाना आया था, इस गाने को अगर हम गाते तो गाना और हिट होता, गाने के बोल थे दर्द दिलों के कम हो जाते, इस गाने को अगर हम लिखते तो उसके बोल यूं होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रसम हो जाते, पिताजी जो गलती से छूते, छूते ईमान भसम हो जाते, यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। इसी दौरान एक गाना आया, अब की लड़की ने हमको देखकर गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। तो हमने कहा कई साल तक तुम झूला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर प्यार से तेरी बाहों में आऊं जहर दे के मुझको सुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। इसी दौरान दोस्तों बाबू मुलायम सिंह की याद आ गई। बाबू मुलायम सिंह और जैसे नीतीश और लालू ने चुनाव लड़ा, महागठबंधन बना के बीजेपी को हराया, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भाई मैकस भाई ने कहा अंबर भाई अगर उत्तर प्रदेश में बसपा सपा मिल करके चुनाव लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह क्या होगा। हम कहे भाई मैकस भाई तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। तब तक कांग्रेस वाले भी आ गए बीच में, बोले हम भी रहेंगे। अब तीन पार्टी अगर मिलकर महागठबंधन बनाती है तब चुनाव चिन्ह क्या होगा नदीम भाई, तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। ठीक ठाक चलेंगे तो बैठेगा चारों तरफ खड़ंजा, तब पतंगे नहीं टूटेगी नहीं उलझेगा मंझा, पर पता नहीं कब होगा नेताओं का सुबह और संझा, आपका चुनाव चिन्ह साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। अच्छा लगा, एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियां इसलिए बजा दीजिए, हमारे लिए कोई तालियों की जरूरत नहीं है, आप नहीं बजाएंगे तो हम तो खुदे बजाएंगे। ऐसी कोई है? अरे ना बजाइबा ताली तो हम का खूब आया करी, यही जगह में रोज हम चारों भाकारी, अरे उल्टी भगवान के चलनिया कैसे सफरी, बोए खरबूजा तो जाने हो गए कैसे का करी, आई इलेक्शन दौड़ लागिन कुल ने तन कह गाड़ी, सबके जनता से बोले ले मीठी मीठी बाड़ी, सबके जनता से बोले अब मीठी मीठी बाड़ी, आवा राजनीति के ताल में सम्मारी मछरी, जे कई देखी भारी वही के चला उतारी गठरी। हम ऐसे तुरंत बनाते हैं, हमको बनाने की जरूरत नहीं रहती है, हमने जो कलम बचपन में उठाई उसकी सियाही अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि हाई स्कूल हमारा हर के खेत में बैठ के पास कर डाले, गन्ने खेत में ले आया इंटर पास करने के लिए दीपक पढ़ने, चुप्पे से सो गया, पैर से दीपक गिर गया, पूरा गन्ने खेत खाक हो गया, जब रिजल्ट आया मैं इंटर फर्स्ट क्लास पास हो गया। मैं अपनी पढ़ाई करने इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए करने आया, प्रश्न इतने कठिन आए पूरी की पूरी काफी साफ है, साफ रख दिया, अब की फिर पास हो गए। हमने परीक्षा नियंत्रक से कहा हमने पूरी काफी साफ रख दिया फिर भी पास हो गए, बोले हमारे यहाँ सफाई के लिए भी अंक निर्धारित है, तो आप आईएएस पीसीएस नहीं बनेंगे तो सफाई कर्मी तो बन ही जाएंगे। इतने में बाबू मुलायम सिंह ने 4,000 सफाई कर्मियों को पोस्ट भेजा और कहा जो सबसे पहले नाला में कूदेगा वही नौकरी मिलेगा। अब भगवान कसम कहा तो ये बभने पहली बार लूंगी उठाई कूद गई कुल मिला।
अब बने ऊपर ठाकुर पूजन, फिर यादव, फिर मौर्या, फिर कुशवाहा, और जो 80 लोग रहन कहन बाबू हम कहाँ जाएं, कहे आप कहाँ जाएंगे, आप एक भरोसे तो कूदे हैं, तो मौज मस्ती करें, इसमें कुछ रखा नहीं है, हंसी मजाक करते रहें कि रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है, अब देख दो मिनट और रहेंगे, रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है, जाओ दो बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई है। न तुम छत पर आती, न मेरा तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती, न मैं आंख से काना होता, तो अब के चुनौवा में रुपया इतना अधिक हो गया 1000, अब के चुनौवा में दिख गए एक भगवा में, लड़का भर भर ले जावे रुपया कुल झगवा में, पी के हुए हैं सब भी हो बोतल पऊ। ये कोई गाना नहीं है, इसमें कोई दम भी नहीं है, मगर उससे मौज मस्ती थोड़ा आ जाती है, अच्छे शायर आपके बीच में आते हैं, सुनाते हैं, और इसलिए कहते हैं कि पैदा भइले मक्का नगरी, ओ एक से सुनाई दे थी, क्योंकि मैं जानता हूँ सीरते सहेदी से, सीरते सहेदी से ये जिंदगी महकती है, जो आपका गम भी मिले तो हर खुशी महकती है, हो गए हैं 1400 साल आपको गुजरे, पर अब तलक मदीने की हर गली महकती है, हो गए हैं 1400 साल आपको गुजरे, पर अब तलक मदीने की हर गली महकती है, और जब तक बेटा नहीं आए माँ सजदे में रहती है, उसके सर पर वाली ओढ़नी महकती है, उसके सर पैदा भइले मक्का नगरी, अब्दुल्ला के लाल ना अचेरा से नूर, अरे लुटावे बीबी फातिमा अचेरा से नूर, माई हुए बीबी मरियम दई है बधाई, गोदिया में तोहरे दूनो जग के कमाई, सदका चरणवा के मांग सब मांगना, कौने दिल मदीने में बोलई है हमरे साजना, हंसी खुशी वाले बाहर अब रोज आगना, अरे कौने दिन मदीने में बुलाई है हमरे साथ। भाई भाई शुक्रिया, हाँ शुक्रिया, धन्यवाद आपका, देखिए।